ले चलते हैं आपको एटा की ओर, जहां 11 कुंडीय हवन पूजन के साथ हुआ एटा महोत्सव का शुभारंभ। डीएम एडीएम व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे विधि विधान के साथ 11 कुंडीय हवन पूजन के साथ किया एटा महोत्सव का शुभारंभ। इस बार एटा महोत्सव की थीम एटा एक रंग अनेक की तर्ज पर की गई, जिसमें जैसलर्स एटा के प्रसिद्ध घुंघरू और घंटी उद्योग को वरीयता दी गई। इस बार के एटा महोत्सव में कई प्रकार के बड़े झूले, बच्चों के लिए कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जाएगा महोत्सव में। आज हवन हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में? 5 जनवरी 2023 को एटा महोत्सव का कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि एटा महोत्सव प्रदर्शनी जो है वो हर साल आयोजित की जाती थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों से ये प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया जा सका कोविड के कारण। इस बार इसलिए इसको और भव्य रूप देने का प्रयास किया गया कि जिससे पब्लिक के लोग, जनता के लोग अधिक से अधिक हम लोगों से जुड़े। यहाँ पे जो मुख्य थीम रखी गई है वो है हमारा ODOP, जो प्रोडक्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत घुंघरू घंटी का प्रचार प्रसार की योजना बनाई गई है। इसके अलावा चिकोड़ी पे विशेष बल दिया जा रहा है कि चिकोड़ी उत्पाद को हम लोग कैसे और अधिक बढ़ावा दें। इसके अलावा जो मोटे अनाज का जो हम लोग वर्ष मना रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको भी यहाँ पर प्रोत्साहित किए जाने की पूरी योजना है। इसके अलावा जो विभिन्न विभाग हैं, सभी लोग यहाँ पे अपने स्टॉल लगा रहे हैं और जो कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जो योजनाओं का लाभ जनता को दिया जा रहा है, सभी का यहाँ पे प्रचार प्रसार इस महोत्सव के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस महोत्सव के अंतर्गत किया जाएगा और पूरे 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं आपके माध्यम से सभी जो जनपदवासी हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर अवश्य आइए और इसको आके एक बार अवश्य देखिए। आपके प्रदर्शन